कीजिए कि सीट पार्टी में चार एमएलए आए हैं और चारों चुन के आए हैं उसी पार्टी के नाम और सिंबल पे। कल वो पार्टी से बाहर निकल जाए और कहे पार्टी ही हमारी है क्योंकि हमको जनता ने वोट दिया है, ऐसा कभी होता है अर्पिता जी? मैं आपसे पूछता हूं राम भाई, जब बताइए आज देश की जनता को कि ऐसा कभी आनंद होता जी, है? आप एक सेकेंड, आपने जो सुन लीजिए आनंद एग्जाम्पल भाई, दिया, एक सेकेंड, आपने जो आपने जो जवाब सुन एग्जाम्पल लीजिए। दिया वो आपने चार का दिया, लेकिन संख्या तो यहाँ चार नहीं है ना सर, एक शून्य लगाना भूल गए आप पीछे। ठीक है, चलिए 40 आदमी निकल गए किसी पार्टी से, 40 एमएलए निकल गए, हाँ, तो क्या और पार्टी उनकी आपके होती पास है? कितने बच्चे वो भी यही बता तो दीजिए हम, ना। और 13 सांसद, ना ना ना, 13 सांसद हमारे जुड़ी पास है, तो 13 सांसद हमारे जुड़ी पास है, तो एक 16 भी सांसद भाया। का चुनावी क्षेत्र 20 लाख मतदाताओं का है, ठीक है, तेरह एक सांसद तो एक फैसला सुना सांसद का दीजिए इलाका तो 20 लाख लोकतंत्र मतदाताओं का है। नहीं, तो ठीक, एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैं जरा चर्चा और में सबको चालीस शामिल करूंगा। सांसद राहुल जी भी कुछ कहना चालीस चाह रहे हैं। विधायक राहुल जी आप अपनी एक का प्रतिक्रिया दे चुनावी लीजिए, ठीक क्षेत्र है, रामगदन जी 4 लाख एक-एक मतदाता, करके अपनी अपनी बारी में, सर प्लीज, सर प्लीज, आनंद जी आपसे भी रिक्वेस्ट, आप अपनी अपनी बारी में अपनी पूरी बात रखिए। जरा मैं और भी मेहमान है उनको चर्चा में शामिल कर लूं। राहुल जी कुछ कहना चाह रहे हैं और फिर ब्रजमोहन श्रीवास्तव जी और देश दीपक वर्मा जी। राहुल जी हेलो, राहुल जी आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, मैं ये बात कहना चाहता हूँ। सबसे पहले कि मैं छोटा सा करेक्शन करना चाहता हूँ कि मैं शिंदे गुट का प्रवक्ता इस हैसियत से यहाँ पे नहीं बैठा हूँ। मैं जो अधिकृत शिवसेना पार्टी है उस शिवसेना पार्टी का प्रवक्ता करके यहाँ पे मैं बैठा हूँ। शिंदे गुट वगैरह वो परसों वो जो गुट था वो गुट नहीं था, आज शिवसेना पार्टी के हैसियत से प्रवक्ता करके मैं अधिकृत प्रवक्ता, अभी दुबे जी कौन से पार्टी के प्रवक्ता मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं शिवसेना का प्रवक्ता करके यहाँ पे मैं बैठा हूँ। ये पहला छोटा सा करेक्शन यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि आनंद दुबे जी रहने दो या उद्धव ठाकरे जी रहने दो, संजय राउत जी रहने दो, इस देश के संविधान ने जो जो प्रावधान निर्माण किए, जो जो साहित्य संस्था निर्माण की है, उसी का अवमान अपमान करने का काम अभी उद्धव ठाकरे जी या आनंद दुबे जी रहने दो, संजय राउत जी रहने दो, ये करने लगे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा एक चिंता का विषय है। अगर राम कदम जी यही कह रहे हैं कि दूसरे जो लोग यही कह रहे हैं कि चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने जो डिसीजन दिया है, तो लोकतंत्र के माध्यम से आपको सुप्रीम कोर्ट में जाने की आपको मोहलत है, आपको उन्होंने दरवाजे खुले करके रखे लोकतंत्र, लेकिन चुनाव आयोग बिक गया है, चुनाव आयोग ने ऐसा ऐसा डिसीजन दिया है, ऐसा ऐसा फैसला पैसे लेकर दिया है, 2000 करोड़ लिए, मतलब एक बात, ये बात मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन ये सटिया गए हैं। देश के सबसे बड़े स्वायत्त संस्था पे जो किसी की नहीं रहती है वो पूरा अधिकार अपना स्वायत्त काम करते हैं, लेकिन ऐसे आयोग पे जब ऐसा धोखाधड़ी का आरोप संजय राउत या उनके जो प्रवक्ता करते हैं, ये सबसे बड़ा अवमान है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आनंद दुबे जी बहुत यहाँ पे बता रहे हैं, लेकिन उनको मैं कहना चाहता हूँ कि जो चुनाव आयोग ने 78 पन्नों का जो जजमेंट दिया है, कम से कम वो पढ़ के तो यहाँ पे बैठी है चर्चा में, ये जजमेंट पढ़ते नहीं लेकिन सामना पढ़ के यहाँ पे आते हैं। सामने में कौन सी भाषा रहती है, सामने में आरोपी रहते हैं, ये सामना पढ़ने पढ़ के अगर चर्चा में आने के बजाय ये जजमेंट की कॉपी 78 पन्नों की पढ़ेंगे तो उनको पता चलेगा कि निर्वाचन आयोग ने, एकनाथ शिंदे साहब ने जो दलीलें रखी उनके ऊपर जो डिसीजन क्यों दिया है, ये डिसीजन कैसे मतलब पारदर्शक है, ये 78 पन्नों का जजमेंट पढ़ के दुबे साहब बता सकते हैं, लेकिन वो जजमेंट पढ़ते नहीं, खाली सामना का अग्रलेख पढ़ते हैं, संजय राउत उद्धव ठाकरे क्या लिखते हैं पढ़ के ये प्रवक्ता यहाँ पे आते हैं। ये उनको मुझे एक सलाह देने की, सामना मत पढ़िए, जरा 78 पन्नों का जजमेंट यहाँ पे पढ़िए।